सब्सक्राइब कीजिए वैदिक ज्योतिष चैनल को और साथ ही बेल आइकन भी दबा दी ताकि नए वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। जय संतोषी माँ। दोस्तों स्वागत है आपका वैदिक ज्योतिष में। जानते हैं आज क्या कहती है आपकी राशियाँ, कैसा रहेगा आपका दिन। शुरुआत करते हैं आज के सुविचार से। संस्कारों से बड़ी कोई वसीयत नहीं होती, ईमानदारी से बड़ी कोई विरासत नहीं होती। जो खो गए उसके लिए रोया नहीं करते, जो पा लिया उसे खोया नहीं करते। उनके ही सितारे चमकते हैं जो मजबूरियों का रोना रोया नहीं करते। सुख सुबह जैसा होता है, मांगने पर नहीं जागने पर मिलता है। आज का पंचांग 16 जून 2022 दिन गुरुवार, आषाढ़ मास के कृष्ण पक्ष की द्वितीय तिथि, सुबह 9:45 तक रहेगी। इसके उपरांत तृतीय तिथि प्रारंभ हो जाएगी। पूर्वाषाढ़ा नामक नक्षत्र दोपहर 12:36 तक रहेगी। इसके उपरांत उत्तराषाढ़ा नामक नक्षत्र प्रारंभ हो जाएगी। आज का राहु काल अर्थात दिन का सबसे अशुभ समय दोपहर 8 से 3:48 तक रहेगा, अर्थात दिन का सबसे शुभ समय दोपहर 12 से 12:54 तक रहेगा। आज चंद्रमा धनु राशि पर शाम 5:55 तक रहेगी। इसके उपरांत मकर राशि पर संचार करेगी और आज सूर्य मिथुन राशि पर रहेंगी। सिंह राशि 16 जून 2022 दिन गुरुवार, यह समय आपके लिए भाग्यशाली है। सामाजिक सेटिंग में आप कुछ भी गलत नहीं कर सकते। नेटवर्क के मौकों का लाभ उठाएं, आय के नए स्रोत भी मिल सकते हैं। इस बीच अपने खर्चों को लेकर सतर्क रहें और चोरी व दुर्घटनाओं से बचने के लिए सावधानी बरतें। मौज मस्ती और पार्टी करने का समय आ चुका है, इसलिए अपने दोस्तों को बुलाइए और उत्साह के साथ इन छड़ों का मजा लें। नए रिश्तों को लेकर आप उत्साहित और चिंतित दोनों हो सकते हैं। शराब शिक्षा और नशीले पदार्थों के प्रलोभन से भी बचें। अपने दृष्टिकोण को बदलना एक बुद्धिमान और जिम्मेदार व्यक्ति की निशानी है। प्रॉपर्टी बेचने संबंधित योजना चल रही है तो उस पर ध्यान दें। किसी अनजान इंसान से अचानक मुलाकात बहुत ही फायदेमंद हो सकती है। घूमने फिरने में अपना समय व्यर्थ ना करें। अन्य लोग आपके काम में बाधा डालने की कोशिश कर सकते हैं, इस कारण आप अपने काम से भटक सकते हैं। लोगों के द्वारा बोली गई बातों को महत्व न देते हुए अपने कर्तव्य को निभाने की कोशिश करें। सामने वाले व्यक्ति की मदद करते समय खुद का नुकसान ना हो, इस बात का ध्यान रखें। व्यापार क्षेत्र से जुड़े हुए लोगों को भागीदारी करने में नुकसान हो सकता है। आपके रिलेशनशिप को परिवार के द्वारा स्वीकार करने में वक्त लगेगा। सावधानियां, कोर्ट केस संबंधित मामलों के दस्तावेज व पेपर्स को संभाल कर रखें। जरा से लापरवाही नुकसान का कारण बनेगी। किसी भी असमंजस्य की स्थिति में अनुभवी व्यक्ति की सलाह लेने में हिचक ना करें। बात करते हैं लव लाइफ की। अविवाहित व्यक्तियों के लिए कोई अच्छा रिश्ता आने से घर में खुशियां भरा वातावरण रहेगा। आपका साथी पूरी तरह से आपका सम्मान करता है और आपको आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करता है। अपनी जिम्मेदारियों को पूरा करें और रिश्ते को ताजा बनाए रखने का प्रयास करते रहें। ससुराल वालों की परेशानियां दूर करने में आपकी जरूरत पड़ सकती है। आज आप अपने संबंध को लेकर उत्साहित और परेशान दोनों हो सकते हैं। आपके प्रेम का रिश्ता अभी नया है और इसमें आपका पार्टनर आपको पूरी तरह से सुरक्षित और प्यार महसूस कराएगा। प्यार के इस चरण में नशे और अन्य गलत चीजों की आदत से बचें। प्यार की इस भावना का मजा धीरे धीरे से लें। बात करते हैं करियर की। आज लंबे समय से अटके हुए मुद्दों के पूरा होने पर आपको खुशी और संतुष्टि महसूस होगी। किसी बड़े काम की शुरुआत करने में भी पीछे ना हटें, क्योंकि जब तक आप पहल नहीं करेंगे सफलता का स्वाद नहीं चख सकते। आपकी कड़ी मेहनत आपकी पहचान है, इसे बनाए रखें। पार्टी करने और उन लोगों से मिलने के लिए यह वक्त बेहतरीन है जिनसे आपकी मुलाकात लंबे समय से नहीं हुई। एक नया रिश्ता आपको परेशान कर सकता है, लालच से दूर रहें क्योंकि इसे नुकसान होगा। जीवन के प्रति अपने दृष्टिकोण को भी बदलें। दुनिया में सबके लिए अच्छा करें,
इसके बदले में आपको भी अच्छा ही मिलेगा। बात करते हैं सेहत की। इतनी भाग दौड़ की वजह से थकान व कमजोरी महसूस हो सकती है, उचित आराम लेना आवश्यक है। शुगर अचानक से कम होने की वजह से कमजोरी हो सकती है, ध्यान रखें। आज का उपाय, आज आप केले के पेड़ की पूजा करें, शुभ रहेगा। जीवन में हमेशा सकारात्मक सोच के साथ आगे बढ़ते रहें। आपका दिन शुभ हो।